नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स और आपका होमोनिम्स। हमारे एग्जाम्स में ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जब ऑप्शंस में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो बहुत कन्फ्यूजिंग हुआ करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ आइडियल वर्ड जैसे दिए जाते हैं। ये जैसे एक वर्ड दिया गया IDOL, एक वर्ड जैसे आपने देखा होगा आइडियल ये वाला, एक वर्ड जैसे IDLE, एक ये वाला आपका, और IDY और LL ये है। इन चार शब्दों में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, तो हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे ये वाला जो आइडल है, आप जानते होंगे IDOL जो है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ये मूर्ति के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ये आइडल जब आप किसी को आदर्श मानते हैं, है ना, तो ये वाला आइडल ये वाला हुआ करता है। ये आइडल IDLE ये जो है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी। आलसी का मतलब यहाँ पर है जैसे कोई व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, खाली समय है, तो उसको हम लोग क्या आइडल बोलते हैं, जैसे सिट आइडल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है IDYLL, ये एक तरह का पोयम होता है, पोयम विद पिक्चर सीन। पिक्चर सीन जैसे आपने देखे होंगे बच्चों की किताबों में जो पोएम्स लिखी होती हैं उनमें टेक्स्ट के साथ साथ उनमें क्या हुआ करता है, पिक्चर सीन भी बनी होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और ऐसे शब्दों को हमें अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। जैसे हमारा ये एक सेट हो गया इस तरीके का, हम दूसरा ले लेते हैं, आपको समझ में आए पहले। जैसे देखो, एक वर्ड आपने देखा होगा, वर्ड होता है क्या, अडॉप्ट, एक वर्ड होता है अडेप्ट, और एक वर्ड होता है आपका क्या, अडेप्ट। अब देखो ध्यान से, ये जो अडॉप्ट है, देखो यहाँ पर ओ दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ई दिया गया है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अडॉप्ट वर्ड है ये एक तरह का वर्ब है, अडेप्ट जो है वो भी एक तरह का वर्ब है, और जो अडेप्ट है वो एक तरह का क्या, एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर जो अडॉप्ट शब्द है, अडॉप्ट का मतलब आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है अडॉप्ट करना, मतलब गोद लेना, हिंदी में तो बिल्कुल आसान से मीनिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अडेप्ट वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है जैसे अडेप्टबिलिटी वाला, जब हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, अडेप्ट कहलाती है। और तीसरा जो शब्द दिया गया है हमारा क्या, अडेप्ट वर्ड दिया गया है, अडेप्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में क्या हों, स्किलफुल हों, स्किलफुल कह सकते हैं, निपुण कह सकते हैं, या दक्ष कह सकते हैं, इस तरीके के वर्ड दिए जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये अडेप्ट हो गया, अडेप्ट हो गया, और एक आपका क्या, अडॉप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे लास्ट टाइम एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे देखते हैं आपको बताते हैं, आप जानते हैं एक शब्द हुआ करता है नेवी, जैसे सेना है, जल सेना जिसको बोलते हैं, इसका जो है एडजेक्टिव पूछा गया था, तो आप जानते होंगे इसका एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, नवल होता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडियन नेवी में जो भी शिप्स होते हैं उनसे पहले क्या, INS लिखा रहता है, इंडियन नवल शिप। तो नेवी का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, नवल होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये नवल के साथ कई सारे वर्ड यूज़ कर दिए उन्होंने, जैसे एक वर्ड दे दिया गया क्या, नावल दे दिया, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। एक वर्ड तो आप लोग जानते हैं, वर्ड क्या हुआ करता है, नोवेल। और एक शब्द होता है आपका, एक ये वाला नोबेल, और एक नोबेल हम एक साइंटिस्ट का जो नाम है अल्फ्रेड नोबेल वाला, वो भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखो ध्यान से, इसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हुआ करता है जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन, नेवी का एडजेक्टिव क्या होता है, तो नवल होता है। तो अब तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा। अब ये जो नावल लिया गया, NAVEL, ये नावल का मतलब हुआ करता है जैसे शरीर का एक अंग है जिसको हम नाभि कहते हैं, वो होता है नावल। और ये जो है नोवेल, इस नोवेल को हम लोग क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, समझ पा रहे ना, इसको हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। और ये जो नोवेल है,
ये नोबल बर्थ मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति रॉयल है, नोबल क्लास पीपल है, जैसे नोबल एक एडजेक्टिव होता है नोबलर और नोबलेस्ट पर्सन, जिसको एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर खानदान से बिलोंग करता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हम नोबल, ये वाला स्पेलिंग होता है। और ये सबसे लास्ट में नोबल NOBEL, ये अल्फ्रेड नोबल एक साइंटिस्ट जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, उनका नाम है। तो ये देखिए जो वर्ड दिए गए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं, ऐसा आपको किसी भी बुक्स में या किसी भी सोर्स में मिलता नहीं है, ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट हो जाती हैं। तो आप इस तरीके के जो वर्ड हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसी की तरह बहुत सारे और भी पेयर होते हैं, हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे दिखा आपको दिख रहा होगा, ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट लिखा है, और आपका ये भी राइट लिखा हुआ है। ये RIT, ये राइट का मतलब होता है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है जैसे कोई भी रिवाज या रीति रिवाज कह सकते हैं, कोई रस्में हैं जैसे, उसको बोलते हैं ये वाला राइट। ये वाला राइट का मतलब आप तो जानते ही हैं, जैसे कोई भी चीज़ सही है, या आपका जैसे राइट हैंड राइट और लेफ्ट वाला राइट। उसके बाद में ये वाला जो राइट लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने वाला व्यक्ति है ना, जैसे मेकर कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे प्ले राइट, एक शब्द आपने सुना होगा प्ले राइट, जिसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्ले बनाया गया, फिल्म बनाई गई, जैसे विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट है, उन्होंने कई तरह के ड्रामा जो है लिखे, जूलियस सीजर इस तरीके से, उसको हम लोग वो वाला राइट बोलते हैं। और ये वाला जो राइट है आपका, ये क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, लिखना। तो देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किसी भी बुक्स वगैरह में नहीं दिए, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें चार चार ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन में डिफरेंट वर्ड्स दे दिए जाते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एक अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है देख रहे हैं, आपके सामने एक पेयर मतलब एक क्रम और भी लिखा मैंने, कई सारे वर्ड दिए गए, जैसे यहाँ पर हेयर दिया, ये भी हेयर पढ़ते हैं, ये भी हेयर पढ़ते हैं, ये हेयर है, ये एक तरह का, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये एक नाउन है, हालांकि इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होने चाहिए, फिर हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करते रहेंगे और भी बताते हैं। आप देखो यहाँ पर ये वाला जो हेयर लिखा गया है, ये हेयर माने देखो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यहाँ जैसे कम हेयर, वैसे देखा जाए तो ये हेयर एडवर्ब है, प्लेस वाला एडवर्ब हो गया। ये हेयर मतलब बालों के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नाउन है जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ये हेयर का मतलब, ये भी नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, खरगोश होता है, समझ पा रहे ना। और उसके बाद में ये हेयर, ये खरगोश का मतलब रैबिट भी होता है, लेकिन जो वाइल्ड कह सकते हैं, जो सेवेज कह सकते हैं थोड़ा सा, वो क्या होता है हेयर। और ये हेयर माने सुनना होता है, और ये आपका इसका प्रोनंसिएशन एक्चुअली क्या होता है, आयर होता है, आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एक बार फिर से बता देते हैं, ये हेयर माने क्या होता है, यहाँ ये हेयर माने बाल, और ये हेयर का मतलब खरगोश, और ये हेयर का मतलब है सुनना, और उसके बाद में क्या, ये है आयर माने उत्तराधिकारी, जैसे कोई राजा का बेटा है वो उत्तराधिकारी उसका होगा। तो देखिए मैं आपको सिर्फ एक बेहतर चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को समझ के आप भी अपने अच्छे बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतने ही, 5 हम लोग ने सेक्शन किए, अगले वीडियो में मिलेंगे, हम लोग फिर से कुछ बढ़िया पेयर लेके आएंगे, तब तक आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।